इंस्टाग्राम पर 10 फॉलोअर्स हैं या 10,000 फॉलोअर्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम पर हर क्रिएटर को बोनस मिलेगा, 100% मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा? तो ये रहा प्रूफ। और हाँ, ये सिर्फ मुझे नहीं मिला है बल्कि मेरे दोस्तों को भी मिला है और क्रिएटर्स को भी मिल रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इंस्टाग्राम बोनस भी काफी ज्यादा दे रहा है, काफी ज्यादा कम रिस्क पे ही काफी ज्यादा डॉलर्स दे रहा है अपने क्रिएटर्स को, जो काफी ज्यादा कमाल की बात है। तो ये सब तो ठीक है, बट तुम्हें बोनस कैसे मिलेगा एंड इसका प्रोसेस क्या है, ये बताने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि यूट्यूब पर काफी वीडियोस पड़ी है जिनके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये ट्रिक अप्लाई कर लो, वो ट्रिक अप्लाई कर लो। ऐसी कोई बात इस वीडियो में नहीं होने वाली है, जो होगा बिल्कुल ही जेन्युइन होगा। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि इस प्रोसेस की हर एक चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो जरा प्रोसेस को ध्यान से देखना एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो चलो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और तुम्हें बताते हैं इस प्रोसेस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। एंड इस प्रोसेस की स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी बात कि अभी तक आपने अपने अकाउंट को सही तरीके से प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो बिल्कुल ही सही तरीके से अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लो। और सही तरीके से कैसे अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बन रखी, हर एक प्रोसेस समझाया शुरू से लेकर आखिरी तक एंड पूरी प्रोसेस की वीडियो है। तो ये रही वो वीडियो, इस वीडियो को देखने बाद जाकर वो वीडियो देख लो एंड सही तरीके से अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा एंड इसके कमेंट में भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो एंड अपने अकाउंट को बिल्कुल ही सही तरीके से एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है और ये चीज मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। इतना करने के बाद तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मतलब कि तुम कौन सी कैटेगरी में अपनी रील्स को अपलोड करते हो। ये चीज मैं तुम्हें करने के लिए क्यों कह रहा हूँ एंड इस वीडियो में आगे तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। कई क्रिएटर्स क्या करते हैं, उन्होंने अपने अकाउंट पर एक दिन सॉन्ग की वीडियो डाल दी एंड कल कोई मीम डाल दिया एंड परसों कोई फाइटिंग सीन की वीडियो डाल दी। तो यही जो क्रिएटर सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ध्यान से सुनो जरा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल ही करना है। तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जो कैटेगरी तुम्हें पसंद है वही सिलेक्ट करना है एंड जिसमें तुम कंफर्ट हो उसी कैटेगरी से रिलेटेड रील्स को तुम्हें अपने अकाउंट पर अपलोड करना है। एंड ऐसा करने का एक्चुअल रीजन क्या है, तो सुनो, अगर तुम एक ही कैटेगरी से रिलेटेड रील्स को अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम आराम से तुम्हारे अकाउंट की कैटेगरी को क्लैरिफाई कर लेता है एंड इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि तुम इस कैटेगरी में अपने रील्स को अपलोड कर रहे हो। और अगर तुम मिक्सिंग वीडियो अपलोड करते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कभी तुम कुकिंग की वीडियो डाल रहे हो या कभी कभी किसी फाइटिंग सीन डाल रहे हो, कभी तुम मीम्स डाल रहे हो, तो ऐसे में इंस्टाग्राम तुम्हारे आईडी को अकाउंट को क्लैरिफाई नहीं कर पाता है। तो भाई आज के बाद ऐसा मत करना एंड एक ही कैटेगरी से रिलेटेड रील्स को अपलोड करना, तो इंस्टाग्राम तुम्हारे अकाउंट क्लैरिफाई कर लेगा एंड जब तुम इंस्टाग्राम की नजर में आ जाते हो तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, मगर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कभी भी कम्युनिटी वायलेंस रील्स मत डालना, जो कि इंस्टाग्राम रूल्स के खिलाफ है। कम्युनिटी वायलेंट कंटेंट क्या है, कि तुम ऐसे रील्स को डालते हो जो ह्यूमंस या किसी और चीज के खिलाफ है या फिर उस रील्स को देख के किसी के बीच लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, तुम ऐसी रील्स को बिल्कुल भी मत डालना। अगर तुम ऐसी रील्स को डालते हो तो इंस्टाग्राम पर बोनस नहीं मिलेगा और ना ही तुम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मोनेटाइज कर सकोगे। अगर तुम्हें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ तुम्हें भी अपने अकाउंट पर देखने को मिल रहा है, तो समझ लो कि तुमने भी कम्युनिटी वायलेंस एक्ट किया या तुमने कोई ऐसी रील डाली जिसके करके ये तुम्हें देखने को मिल रहा है। अगर तुम जानबूझकर ऐसा कंटेंट डाल रहे हो तो जिस दिन तुम्हारा अकाउंट इंस्टाग्राम की नजर में आया वो तुम्हारे अकाउंट को टेम्परेरी डिसेबल कर देगा, मतलब कि हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। तो इस बात का जरा ध्यान रखना एंड अगर गलती से तुमने ये कर दिया है या तुमने कुछ किया ही नहीं फिर भी ये प्रॉब्लम तुम्हें तुम्हारे अकाउंट पर देखने को मिल रही है, तो टेंशन मत लो, ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाती है। बट ये बात का ध्यान रखना कि इसके बाद कोई भी तुम ऐसे रील्स को अपलोड मत करना जो कम्युनिटी वायलेंट के खिलाफ है एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना अगर तुम कमेंट करते हो तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा एंड बिल्कुल ही आसानी से तुम्हारी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो अब तक जो मैंने प्रोसेस बताया उसको तुमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, जो मैंने गलती बताई अभी तक वो तुमने अपने अकाउंट पर नहीं की है, तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें भी इंस्टाग्राम पर बोनस मिलने वाला है। पर कैसे, तो चलो फिर बताता हूँ एंड इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो तुम्हें क्या करना है, अपने अकाउंट को ओपन कर लेना, इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड सेटिंग एंड अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हो
तो आपको पता है वो सभी ऑप्शन ऑन हो जाती है आपके फ़ोन में, जो आपके इंस्टाग्राम के सभी सेटिंग्स है। ठीक है, तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, बिल्कुल ऐसे स्क्रॉल करना है। एंड जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप आओगे तो अकाउंट स्टेटस पर आपको देख लो, ये जो सभी चीज़ें मेरी टिक हैं ये आपकी टिक होनी चाहिए जी। बिल्कुल ही कह रहा हूँ, बिल्कुल ही सही कह रहा हूँ मैं, कि आपको ये जो चीज़ें मेरी देख रहे हो जो हरे कलर की टिक लगी, ये सभी पे आपकी चारों पे हरी टिक। तो भाई अगर चारों पे टिक लगी तो भाई खुश हो जाओ। एंड आपको बैक आना है, एंड यहाँ पे हेल्प पे आपको क्लिक करना है, हेल्प भी उसकी जस्ट ऊपर होता है। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पांच ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई इन सबको आपको आसानी से पढ़ लेना है। एंड इसके बारे में अगर आपको डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं पढ़ना, तो भाई आप तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। ठीक है, हेल्प सेंटर पर, जैसे ही हेल्प सेंटर पर क्लिक करते हो थोड़ा सा आपके सामने लोडिंग लेगा, एंड ऐसा कुछ आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा, सर्च बॉक्स जैसे आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो भाई आपको सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पर लिखना है बोनस। अब जैसे ही बोनस लिखते हो तो सारे आपके सामने बिल्कुल ही नीचे जो सर्च रिजल्ट में बोनस का ऑप्शन आ जाएगा, एंड इस पर आपको क्लिक करके एंटर कर देना। तो अब जैसे ही एंटर करते हो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, एंड ये भाई देख लो ये सभी सारी क्वारीज आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, तो एंड पहले को आपको खोलना है, एंड जब पहले को आपको खोलोगे तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम बोनस के बारे में सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड आप पढ़ सकते हो यार, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको नीचे जाना है, एंड जब आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर देखने को मिलेगा येस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई आपके सामने एक फील का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना, एंड सेम बाय सेम आके यहाँ पर जो मैंने पेस्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसमें लिखा हुआ है कि जो मेरा अकाउंट है उस पर हमें बोनस का ऑप्शन नहीं मिला है, तो प्लीज़ हमें बोनस का ऑप्शन दो। इतना करने पर आपको सबमिट कर देना, एंड जो ये आपने लिखा है टेक्स्ट में जो मैंने लिखा है, एंड इसमें से क्लियरली लिखा हुआ है यार कि आपको बोनस नहीं मिला, तो आपको बोनस मिलना चाहिए क्योंकि आपने अभी भी कोई भी गलती नहीं की अपने इंस्टाग्राम पर। तो आप जैसे ही सबमिट करते हो आपके सामने ये बिल्कुल ही हरा टिक आ जाता है। अब हरा टिक आ गया तो भाई समझ लो कि ये जो प्रोसेस है आपका सबमिट हो चुका है। तो जब ये प्रोसेस सबमिट हो जाए तो इंस्टाग्राम तुम्हारे अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेगा, एंड इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को तुम्हारे अकाउंट को स्टडी करने के बाद तुम्हारा अकाउंट जेन्युइन लगा तो 100% भाई तुम्हें बोनस मिल जाएगा, तो 100% तुम्हारे अकाउंट पर तुम्हें बोनस मिल जाएगा। और हाँ, मुझे काफी भाई कमेंट आते कि भाई बताओ इसके लिए हमें कितने फॉलोअर की जरूरत है, तो मैं उन भाइयों को एक बात बता दूं कि अभी तक इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली नहीं कहा है कितने फॉलोअर्स की जरूरत है, बट आगे कोई भी अपडेट आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो यार। कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले अपने फोन तक पहुंच जाएगी, एंड बिल्कुल ही जेन्युइन अपडेट होती है। एंड तुम्हें पता ही है यार, तुम्हारा भाई हमेशा जेन्युइन कंटेंट ही अपलोड करता है यार, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम भी हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाओ, फ्यूचर में भी ऐसी कमाल के जेन्युइन कंटेंट आते रहेंगे जो तुम्हें सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। एंड यार अभी ये फालतू की टेंशन को छोड़ दो, एंड बिल्कुल अपने अकाउंट पर ध्यान दो, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हो। एंड मुझसे पर्सनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।